एवरीवन वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट कमेंटेड मोस्ट अवेटेड टॉपिक रेशियो एनालिसिस के बारे में। मुझे पता है कि आपको भी इसका वेटेज इसका इंपॉर्टेंस मालूम चल चुका है क्योंकि आपने ना पेपर एनालिसिस देख लिया होगा। अभी देखो मई 18 के पेपर में भी था, नवंबर 18 के पेपर में भी था और 100% जून 19 के पेपर में होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है ये अकाउंटेंसी का बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक, किसी भी बिजनेस की अकाउंटेंसी में या कंपनी की अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस होता ही है। अब हम इस वीडियो में करने क्या वाले, देखो हम इस वीडियो में तीन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक नंबर 1, हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। देखो एक होता है कि हमने फॉर्मूला रट लिया पेपर में करने बैठे और हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज रट्टाफिकेशन बहुत दूर तक नहीं जा पाती। टॉपिक नंबर 2 होगा हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन। जब आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिखेगा, देखो बेस्ट वही है जो आखिरी टाइम पर एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रेजेंटेशन दे पाए। आपने पूरे टाइम पढ़ाई करी बट एग्जामिनेशन में अगर आपका ये फेल हो जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और एट द एंड 3rd होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जून 2019 एग्जामिनेशन। आपके ICAI मॉड्यूल से कुछ इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चन उन्होंने पिक करा है जो मुझे ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं, चलिए रेशियो एनालिसिस में क्या चीज़ें हैं तो देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली ये 10 मार्क्स का टॉपिक है और रेशियो एनालिसिस है क्या, एक सिंपल सी डेफिनेशन। देखो मैं इस वीडियो में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, वो बेसिक्स हैं और थ्योरी नहीं आएगी ऐसी, है ना। व्हाट डू मीन बाय रेशियो एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस नहीं आएगी, आया तो न्यूमेरिकल क्योंकि प्रैक्टिकलिटी चेक करनी उन्हें। तो सिंपल है, इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल। आपने भी पढ़ा होगा, है ना, लेकिन आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा रटा और सेट कर लिया। अभी मैं बता दूँ इस डेफिनेशन में इस पूरे तीनों टॉपिक के सजेशंस की बात करेंगे, देखते हैं क्या है। इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशन, पॉइंट नंबर 1, मैथमेटिकल दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, अमाउंट फाइंड मीन्स या तो परसेंटेज में होगा या तो वो टाइम्स में होगा या तो इंटर रिलेटेड रिलेशन इस टू लगा के रिलेशनशिप होगा कुछ ऐसा, तो पॉइंट नंबर 1 अमाउंट होगा। पॉइंट नंबर 2 इट्स अ रिलेशनशिप, मतलब साफ है आप कोई भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड बिटवीन एटलीस्ट टू हेड मिनिमम 2 हेड के बीच में फॉर्मूला रिलेट करेगा। थर्ड पॉइंट आता है, लिखा ये बिटवीन टू, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कितने हेड होंगे फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके, कम से कम 2। अब बताती इंटर रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इंटर रिलेटेड वेरिएबल मीन्स, देखो आपको पता होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो बोलते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डिपेंड करते हैं। तो अब जरा ध्यान देना, इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, तो हमें क्या करना है, हम कोई भी फॉर्मूला है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, फॉर्मूले आपको याद कैसे रहेंगे और उसको अलग से रटना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कॉमर्स में फाउंडेशन चूज़ करा है तो आपने एटलीस्ट इतनी एफर्ट डाले होंगे अभी तक तो, और हम लोग भी 95 मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं वीडियोस के थ्रू। प्लेलिस्ट में CA फाउंडेशन में सारे वीडियोस हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कहाँ पे वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट ओपन करो और सारा देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, है ना, कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है, सो ना ही कभी होगा। अब इंटरलेटेड वीडियोज़ की हम बात करें, इंटरलेटेड वेरिएबल्स अगर हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है समझना कि हम फॉर्मूले को कैसे पढ़ें कि वो हमें माइंड में स्टक हो जाए बिल्कुल, कि क्वेश्चन जैसा भी हो हम उसे इंप्लीमेंट कर पाएँ। देखो टाइप्स ऑफ रेशियोज़ कितने सर, 3 रेशियोज़ हैं, 3 टाइप्स के रेशियोज़ हैं, है ना, लिक्विडिटी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आपके बुक का जो समरी का पार्ट है ICAI मॉड्यूल में उसमें ढेर सारे फॉर्मूले दिए हैं, तो क्या सर हम सारे फॉर्मूले रट लें, रट ही नहीं पाओगे सर, है ना, मशीन थोड़ी हम लोग कि डेटा फीड हो गया और वो रिमेंबर एकदम सेट है, पेपर में आएगा तो वैसा डेटा हम वहाँ पे, है ना, जीरोक्स कॉपी निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमें फॉर्मूले का वो कॉन्सेप्ट जिसे मैं बोलता हूँ ना पर्पज़ एंड कॉन्सेप्ट, तो रेशियो एनालिसिस का पर्पज़ क्या है, जो लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं है जिनको बैलेंस शीट PL अप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट लॉस अकाउंट की समझ नहीं है, उनको ये बता पाना कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल क्यों होगा। कैसे बताएंगे हम, रेशियोज़ के थ्रू, है ना, या हमारी पोजीशन क्या है हम कैसे बताएंगे, रेशियोज़ के थ्रू। तो देखो फॉर्मूले में करना क्या है, हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर वन है फाइंड आउट करना क्या है, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को बोला, सबसे पहले तो ये चेक कर लो। एंड पॉइंट नंबर 2 रिलेटेड विद, जिस वक्त बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझो, बहुत बहुत ईजी है रेशियो एनालिसिस। आपको जो आज ट्रिक देने वाला हूँ इस ट्रिक के बाद आपको रेशियो एनालिसिस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो शॉर्ट ही होगा, है ना, पूरी कोशिश यही रहेगी कि 30 मिनट से पहले क्लोज कर दूँ इसको, क्योंकि यार बहुत सस्ता चैप्टर है, इसमें इतना टाइम लगाना मतलब इस चैप्टर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। चलो देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भेज दें, फॉर्मूला आपके माइंड में आज बहुत ईजिली आने वाला है।
तो हमें सबसे पहले जब से हम क्वेश्चंस को देखेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है उसमें दो चीज़ ढूंढनी है, फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एंड पॉइंट नंबर टू रिलेटेड विथ, और वो जो हेड है वो किस दूसरे हेड से रिलेट करता है। रीज़न बीइंग कि हमें पता है इंटर रिलेटेड वैल्यूज़ की बात हो रही, जो भी दो वेरिएबल होंगे इंटर रिलेटेड होंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है करंट रेशियो निकालो तो लिक्विडिटी में करंट रेशियो आएगा, अगर करंट एसेट्स की वैल्यू दी गई है तो रिलेट किससे करती है, करंट लाइबिलिटी से। मई 2018 के पेपर की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी कमेंट करा कि सर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन बताइएगा। यार एक बात बताओ, बैलेंस शीट अलग है क्या कुछ? आपके मैक्सिमम फॉर्मूले बैलेंस शीट पे डिपेंड कर रहे हैं, पूरी की पूरी लिक्विडिटी आप चेक करके देखो ना, करंट सेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि सेट्स अपॉन क्योंकि लाइबिलिटी, इवन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये चला आता है पीएल में। लेकिन जैसे हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की, अगेन बैलेंस शीट की बात, कहीं ना कहीं उसमें मैक्सिमम ऐड होते हैं, लाइक डेटर होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारी बातें आती हैं। लिक्विडिटी की पोजीशन में बात करें तो आपकी कैपिटल है ना, इक्विटी, डेप्ट, सारी की सारी बैलेंस शीट से ही तो है। तो जब आपसे बोलता है अगर मई 2018 के पेपर के क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ उस क्वेश्चन में हुआ क्या था, सिंपली वहाँ पर वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा उन्होंने गेम खेला, बच्चे रह गए, आप नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। अभी वर्किंग कैपिटल के थ्रू अगर मूव करना है तो फॉर्मूला क्या है सर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट सेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला तो है। देखो जरा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट सेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब हमें ये पता लग गया कि दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड, हमें इनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कितनी वैल्यूज हैं, और अगर कुछ नहीं है तो इन तीन डिजिट्स में से कोई दो डिजिट डेफिनेटली दी होगी, कोई एक ही डिजिट फाइंड आउट करने को बोलेगा क्वेश्चन, मिसिंग एक हो सकता है, दो वैल्यू मिसिंग नहीं हो सकती। तो एक को आप लेट्स एज्यूम एक्स या ए या कुछ भी एज्यूम करो और उसकी वैल्यू पे उनको रखते जाओ, लेस करोगे आंसर बहुत ईजिली आएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है अब उसको कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, हाउ टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, है ना। तो आप आईसीए के मॉड्यूल उठाइए और जरा मेरे साथ आप कवर करिए, आपको जो बताने वाला हूँ आपको बहुत इजी ट्रिक होगी, उस ट्रिक को आप इंप्लीमेंट करना, कोई भी फॉर्मूला इजीली आपको याद होगा। बार ये कि हम ये समझें पहले टॉपिक के बारे में कि हाउ टू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज, जो भी फॉर्मूलाज दिए होंगे क्या सर हम उनको रटेंगे, बिल्कुल नहीं रटेंगे। कॉन्सेप्ट की बात करूँगा, उस कॉन्सेप्ट को समझो, आप किसी भी फॉर्मूले इंप्लीमेंट करो, बहुत ईजिली फॉर्मूला बिना रटे आपको समझ आएगा। देखो हमने दो चीज़ समझी अभी, पहला क्या, रेशियो एनालिसिस होगा तो हमें पता है कि टू वेरिएबल्स के बीच होगा, क्लियर है, हम तभी रेशियो बता पाएंगे। अब अगर हम पहले अपने रेशियो की बात करें, टाइप फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, लाइक इसमें हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें है क्या बेसिकली। लाइक करंट रेशियो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को रटा होता है, बिल्कुल फिक्स होता है कि यार इसमें कुछ नहीं करना है। क्या फॉर्मूला बनेगा, करंट सेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। बस इसके पीछे का रीज़न देखो जरा, क्यों इन्होंने ऐसा किया। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में करंट नेचर के दो ही हेड होते हैं, पहला क्या है करंट एसेट्स और दूसरा क्या है करंट लाइबिलिटी। तो हमें क्या करना है, हमें इंटर रिलेटेड वेरिएबल लेने थे, वेरिएबल से ही डिवाइड कर दिया। इन शॉर्ट दूसरा फॉर्मूला देखो आप, अभी अगला फॉर्मूला आता है आपका क्विक रेशियो, जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं या लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। अभी यहाँ पे भी क्विक की हम बात करें, क्विक इज ऑल्सो रिप्रेजेंट करंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बस ये करंट से भी और फास्ट होता है। लाइक करंट रेशियो में क्या होता है, विच इज़ कन्वर्टेड टू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, और क्विक में क्या होता है, विच इज़ कन्वर्टेड टू कैश विद इन मैक्सिमम थ्री मंथ। तो ये रीज़न है कि इसको हम लोग क्विक सेपरेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ से चलना। अभी ऐसे एक फॉर्मूला आता है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, सर फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको समझना यह है कि हम इंटर रिलेटेड वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर रिलेटेड वेरिएबल क्या है, फर्स्ट वन इज डेप्ट, सेकेंड वन इज इक्विटी। हमें हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, अगर मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखना, हमें हमेशा क्या रखना याद रखना है सर, फॉर्मूला बेस्ड किस पर है, जिस पर बेस है वो बेस में डाल दो, है ना, और जो फाइंड आउट करना उसको टॉप पे रखो। अगेन रिपीट करूँ, फॉर्मूला जिस डिजिट पर बेस्ड होगा या जिस वेरिएबल, जिस हेड पर, जिस भी वेरिएबल फॉर्मूला बेस्ड है उसको बेस में रखो, और जो फाइंड आउट करना है उसको टॉप पे रखो, वैल्यू इजीली आएगी। अब देखो जरा, डेप्ट का इक्विटी के साथ रेशियो बताना है, तो फॉर्मूला क्या फाइंड आउट कर लेंगे आप, डेप्ट अपॉन इक्विटी। चलो लिक्विडिटी में हो गया, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देख आपका एक फॉर्मूला भी हमने करा टर्नओवर रेशियो, ये सेकंड टाइप था, आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए जी,
टर्नओवर इशू की बात कर लेंगे, आपको अभी मैं बताऊंगा आपकी बुक से भी कि आप देखना फॉर्मूले कैसे इंटर रिलेटेड हैं। और अगर फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है तो हमें सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए, तो अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो इतनी समझ आपको होगी कि एक पर्टिकुलर हेड पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है। जैसे अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, रटना नहीं पड़ेगा, समझ के देखना। पहला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। चलो आप समझते हैं क्या, बेसिकली आपको बताने वाला हूँ जब भी टर्नओवर की बात करेंगे और हम रिलेट कर रहे होंगे एसेट से तो एवरेज वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, उसका रीज़न भी बताऊंगा अभी। अब तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, इन्वेंट्री एक हेड हो गया, ठीक है, और टर्नओवर दूसरा हेड हो गया। टर्नओवर बेसिकली रिलेट करता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ठीक है जी। तो अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, अब देखो सिंपल है, मैंने बोला जिस पर बेस्ड हो। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम सेल करते हैं वो बेस, उसका बेस क्या है, आपके पास इन्वेंट्री होगी फिर तो आप सेल करोगे ना, कि बिना इन्वेंट्री के सेल होगा, सोचिए। देखो आप ऑब्वियस सी बात है, इन्वेंट्री होगी तो हम सेल करेंगे, तो बेस क्या आ गया, इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, फॉर्मूला आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, या फिर आप कह लीजिए एवरेज इन्वेंट्री। कुछ बात समझ आ रही है। अच्छा अगला फॉर्मूला लेते हैं, अभी इसका बेस बताऊंगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है, बता ही देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो तरीके से फाइंड आउट होता है, फर्स्ट वन सबसे सिंपल सस्ता, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्या यार, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने 10 रुपीज़ की चीज़ को 15 रुपीज़ में सेल करा, या 10 रुपीज़ की चीज़ को 12 रुपीज़ में सेल करा, तो सेल कितने में किया, 12। प्रॉफिट कितना आया 10 रुपीज़ की चीज़ को सेल करा तो 2 रुपीज़, तो कॉस्ट कितनी रही होगी, 10, वही हम लोग बात कर रहे हैं ना। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसी का सेकंड फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू लाइक ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग रखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर भी आ जाएगा। अब बात आती है एवरेज इन्वेंट्री। देखो किसी भी वर्ड में अगर एवरेज लग गया तो द बोथ वर्ड डिवाइडेड बाई 2, बहुत ही सिंपल है। मीन्स क्या फॉर्मूला बनेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मूला आप रिमेंबर कैसे रखोगे, फिर अगली स्टेप पे हम लेंगे अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अभी सेकंड फॉर्मूला लेते हैं जो बड़ा ही पॉपुलर है इसका, डेटर टर्नओवर रेशियो। अब फिर से मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो डेटर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डेटर्स कब क्रिएट होंगे। ऑब्वियस ये बात है, डेटर्स क्रिएट होंगे आफ्टर सेल और आफ्टर क्रेडिट सेल्स, सच बात है। तो बेस क्या बना सर, क्रेडिट सेल्स बेस बन रही है। अब जरा देखो फिर डेटर टर्नओवर रेशियो, मैंने आपसे बोला जो भी पूछा जाएगा टर्नओवर रेशियो में, एक सिंपल सी लाइन, टर्नओवर रेशियो में जो पूछा जाएगा वो अपॉन में एवरेज, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पूछा जाएगा जो भी हेड जो फॉर्मूला बनेगा वो अपॉन में एवरेज लगा के लिखना है, और वो जिससे रिलेट करता है वो टॉप पे चला जाएगा, क्लियर है। आओ देखते हैं, तो डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा मतलब अपॉन में क्या जाएगा, एवरेज डेटर। पहला हेड क्लियर, जो पूछा जाएगा वो अपॉन में आएगा, पहला हेड क्लियर। और दूसरा वो क्रिएट किससे हो रहा है, लाइक डेटर कैसे क्रिएट होता है, नेट क्रेडिट सेल्स से, फॉर्मूला पूरा हो गया आपका, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर, सिंपल है। अच्छा अगला ले लो ऐसी ही, लास्ट फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी समझाऊंगा, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो मतलब बेहद ईजी है, कुछ है ही नहीं उसमें। चलो देखो अगला फॉर्मूला ऐसे ही, क्रिएटर टर्नओवर रेशियो, आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। अभी मैंने जैसा बोला जो टर्नओवर रेशियो में जो पूछेंगे वो अपॉन में एवरेज, टर्नओवर रेशियो में जो पूछेंगे अपॉन में एवरेज, और वो हेड किससे रिलेट करता है। तो जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज क्रेडिटर्स। अब ये कुछ बेसिक जिसने आप, मैंने बोला एवरेज डेटर मतलब ओपन डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाई 2, नेट क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल सेल्स माइनस कैशियस माइनस सेल्स रिटर्न, ये बेसिक चीज़ें उनको आप कर लोगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ फॉर्मूला आपको माइंड में रखना कैसे, सेपरेटली इसको याद मत रखना। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो मतलब एवरेज क्रेडिटर जो पूछा जाए अपॉन में एवरेज। अब क्रेडिटर क्रिएट कैसे होते हैं, ऑब्वियस ही बात है नेट क्रेडिट परचेज से, होप इट विल बी क्लियर। अब हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, अब तीसरा जो थर्ड फॉर्मूला है आपका वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या सर इतने में बता लोगे आप इसको
आप देखते जाओ बस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम इसी रेशियो की अगर हम बात करें तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यार उसको सुनते चलना, लोगों को ना बुरा लग सकता है जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको ना मतलब रटाना नहीं है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार देखो ये फॉर्मूले याद कर लो, इससे आएगा तो ऐसे लगा लेना, बट वो मेरे भी खिलाफ है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट पढ़ के चलो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके क्वेश्चन में आया, अब जो बोलूँगा उसको सुनना। मैंने भी यहाँ क्या बोला है, टर्नओवर रेशियो में, टर्नओवर रेशियो का हेड हम पहचान गए अगर, तो जो पूछेगा वो अपॉन में आएगा और वो जिससे रिलेट करता है, जिससे वो क्रिएट होता है, वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बोल रहा हूँ, जो पूछेगा वो टॉप पे होगा, ठीक है जी, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, लिख नहीं सकता ना, जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा और जिससे रिलेट करता है वो नीचे। इन शॉर्ट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे होता है, सेल्स से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो अब आप अपनी बुक का फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, अगर बोलेगा तो हमें माइंड में क्या सेटअप डालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है ना, दैट मीन्स जो पूछेगा वो ऊपर, मतलब ऊपर क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, अपॉन में क्या जाएगा, यही रहेगा पड़ोसी, नेट सेल्स। अच्छा नेट प्रॉफिट रेशियो पूछेगा सर, तो सिंपल रखो ना यार, जो पूछेगा वो ऊपर मींस नेट प्रॉफिट, अपॉन में क्या रहेगा, यही रहेगा सर नेट सेल्स इनटू 100। तो होप फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं, जल्दी से अपना ICAI का मॉड्यूल उठाइए और साथ में मिलकर देख लेते हैं। देखो ढेर सारे फॉर्मूले छपे हुए हैं, एक तरीका तो ये है कि इस एक और इस दो तीन पेजेस को आप रट लो, है ना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। अब मैं बताने चल रहा हूँ कुछ फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिए करते देखते हैं और इस पॉइंट्स को कवर आप भी करिए। फॉर्मूले को टिक लगा लीजिए, करंट रेशियो करिए, क्विक रेशियो कर लीजिएगा, और इसके बाद आप डेप्ट इक्विटी रेशियो, और फॉर्मूला देख लो जैसा समझाया वैसे आ रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो, अभी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है सर, प्रोप्राइटरी के जो फंड होंगे जो रिलेट करते हैं किससे, एसेट से, डिवाइड कर देंगे, जिसका बेस बनेगा, जो कॉन्सेप्ट बताया कॉन्सेप्ट रखना। इंटरेस्ट कवरेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट को कवर करने का रेशियो, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इश्यू नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल को बेस बनाओ, टर्नओवर है ना, मैंने बोला था जो टर्नओवर होगा वो अपॉन में चला जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल नीचे आ गई। अभी वर्किंग कैपिटल बेस्ड किस पर है सर, कहाँ से क्रिएट होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, तो वो कर लेंगे आप। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता चुका हूँ, डेटर टर्नओवर रेशियो बोल चुका हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो आप देख लो। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप चेक करोगे, जैसे मैंने बताया बेस्ड ऑन सेल्स, जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी बेस है वो अपॉन में जाएगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट होगी तो अपॉन में एसेट्स या इन्वेस्टमेंट रख लेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन शेयर्स हैं तो अपॉन में आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चले जाएंगे। तो हाँ आप कर लो नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन आप कर लो EPS अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड यील्ड रेशियो, इतने फॉर्मूले करने हैं। अब सर उस बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको समझ आया कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब बताता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सुझाव रफ कर लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करते हैं जी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आप सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा वो दो फॉर्मेट पे हो सकता है, एक तो वो आपको नॉर्मली हेड दे देंगे, ठीक है, और आपसे बोलेंगे कोई चार या पांच हेड फाइंड आउट कर लो, पॉइंट नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू जो आपका हो सकता है, लाइक मैं बता रहा हूँ टाइप्स या कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, जो सेकंड नेचर का क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको एक नॉर्मल सी बैलेंस शीट देंगे, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है। उस बैलेंस शीट को देने के बाद अब उसमें क्या करने वाले हैं, सिंपली बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट देंगे और आप बोलेंगे भाई इनको फाइंड आउट करके दिखा दो। हमें सोल्यूशन के लिए क्या करना है सर, ध्यान से समझना, सोल्यूशन करने के लिए हमें सिंपल सा एक ट्रिक यूज़ करनी है, और ट्रिक क्या है देखो, हमें ये ढूंढना है इंटर रिलेटेड आइटम्स, कुछ बात समझ आई, हमें इंटर रिलेटेड जो हमारी मीनिंग है ना, उस मीनिंग में इस पूरे चैप्टर की डेफिनेशन छुपी हुई है। हमें इंटर रिलेटेड आइटम्स, इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स जो होंगे उनको चेक करना है, और उन्हें चेक करके अपने वर्क नोन, पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू सुनो, अभी आप इसको स्टेप भी समझ सकते हो, स्टेप नंबर टू क्या करेंगे हम, अब उसको हम फाइंड आउट करने के बाद वर्किंग नोट में प्लेस कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, अब इसको और अच्छे से समझने की आपको ज़रूरत है। मैं जब बोलूँ इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला तो ध्यान रखना, फर्स्ट फ्रॉम गिवन आंसर,
लाइक एक ही क्वेश्चन में हमें चार चीज़ें अगर फाइंड आउट करनी है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है, सर किस फॉर्मूले से स्टार्ट करें। देखो मुझे बात समझना, मान लो आपको करंट रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो जरा मुझे बताओ अगर आपको इन्वेंट्री नहीं पता है तो क्या आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले निकाल सकते हो? आंसर आएगा नहीं। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके थ्रू हम वहाँ से अगर इन्वेंट्री मिसिंग है तो हम इन्वेंट्री हमने निकाल ली। अब इन्वेंट्री निकाल लेने के बाद अगला स्टेप हम मूव कर सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। मई 18 के पेपर में क्या हुआ था कि वहाँ पे आपको लाइक करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी ये पूछा गया। आपके लिए हमने लिया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपको इससे हम ये समझा पाएंगे कि आप अपने फॉर्मूले को कैसे अप्रोच करोगे। तो फॉर्मूला सारा याद कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे फॉर्मूला माइंड में रखना है वो आपको क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। जो मई 2018 का पेपर में क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह से था, बैलेंस शीट के बाद जो कंडीशन दी गई थी उसमें से एक कंडीशन मैंने यहाँ ले ली है। कंडीशन क्या है देखो जरा ध्यान समझना, क्वेश्चन में सिर्फ ये तीन हेड गिवन है, लाइक वर्किंग कैपिटल 30,000, इन्वेंट्री 26,000 है, करंट रेशियो 2.5:1 है और क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी एंड एसिड टेस्ट रेशियो। अब जरा देखो हुआ क्या, आपको इसका फॉर्मूला तो पता है कि एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, फॉर्मूला मालूम है, बट सर इंप्लीमेंट क्या करोगे जरा वो बताओ। आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है ना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनना, जो हेड का हमें अमाउंट पता होगा है ना। देखो यार जो तमिल से स्टूडेंट जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप भी कॉन्सेप्ट पर काम करो। हम लोग जिस लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज या अकाउंटिंग जो टर्मिनोलॉजी होती है वो यूज़ करूँगा तो मे बी मैं पढ़ाऊँ तो बहुत स्मार्टली बट आपको समझ कुछ नहीं आएगा। ये रीज़न होता है मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो आपको ईजिली समझ आ जाए। तो कोशिश करो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने की, मज़ा आना चाहिए पढ़ते वक्त, बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ करी और समझ कुछ भी नहीं आ रहा, फायदा कोई नहीं है, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं दिखाने आया हूँ, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अकाउंटेंसी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, आराम से इजीली चीज़ों को समझा जा सकता है। और देखते क्या करना है, अगर वर्किंग कैपिटल गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है और करंट रेशियो गिवन है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है हम कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करें। तो मैं आपको ये बोलूँगा हमेशा देखो कि कौन सा ऐसा हेड है जिस हेड से हम क्वेश्चन को पुलअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर हमने इन्वेंट्री से स्टार्ट किया एज्यूम अमाउंट, क्योंकि इसका भी दिया हुआ है, मैंने आपसे बोला जो अमाउंट दिया है वहाँ से स्टार्ट करो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता सर अमाउंट तो इन्वेंट्री का दिया है वहाँ से क्यों नहीं। चलो आपकी बात मान ली, इन्वेंट्री रख के हम स्टार्ट करते हैं, सर अगला फॉर्मूला क्या, इन्वेंट्री का कोई फॉर्मूला बताओ आप। तो आप फॉर्मूला बोलोगे सर इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला है सर, तो आप बोलोगे वहाँ पे क्या सर, वहाँ पे क्विक एसेट्स यूज़ कर सकते हैं सर हम लोग, है ना, करंट सेट्स के फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, करंट सेट इज इक्वल टू वैल्यू रखें तो वहाँ पे इन्वेंट्री भी तो आती है सर। तो सर अगर देखो जरा अगर हम इसकी बात कर लें कि आप क्विक एसेट्स का फॉर्मूला यूज़ कराओगे मुझसे, आप बोलोगे सर एक काम कर लो क्विक एसेट्स इक्वल टू होता है करंट सेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों ना यूज़ कर लें। अब जरा बताओ माइंड में आया, तो अगर इस फॉर्मूले को हम रखते हैं तो हमें क्या क्यूक एसेट्स पता है? जवाब है नहीं। क्या हमें करंट सेट्स की वैल्यू पता है? ये भी जवाब है नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, इन्वेंट्री अकेला 26,000 किधर किधर ले जाओगे, समझ आ रहा लॉजिक क्या करना है। अब वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हम क्यों ले सकते हैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे आराम से वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ऐसे मत लिखना, मैं आपको ईजी करने के लिए लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है इसका ध्यान रखना। और मैं अगर ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ तो आपको नहीं करनी, पेपर में ICAI ब्लैक पेन ही मानता है, ठीक है। सो फॉर्मूला लिख लिया हमने जी, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट सेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो क्या सर करंट सेट्स और करंट लाइबिलिटी भी तो मिसिंग है, कैसे आएगा? बट प्यारो यहाँ देखो रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है दैट मीन्स ये जो है ये करंट असेट्स है और ये जो है ये करंट लाइबिलिटी है। और चेक करते हैं अभी, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2.5 जो कि करंट सेट्स है, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लिखना है, माइनस 1 जो कि करंट लाइबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई 1.5। ये समझ आ रहा है सबको, पहला डिजिट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है देखो, अब ना बड़ी अच्छी अच्छी लाइन लिखनी है, देखना इफ़ वर्किंग कैपिटल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ आपको पूरा लिखना होगा इसका ध्यान रखना, थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ आपका। इफ़ वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5, ओके, देन इफ़ वर्किंग कैपिटल इज, वैल्यू कितनी दी गई है
चलो ऐसे लिखते हैं पहले, वन देन करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्या करोगे आप, फिर 2.5 डिवाइड बाई 1.5। ऑब्वियस बात है, अगर हम वन वर्किंग कैपिटल की वैल्यू जानना चाहते हैं तो डिवाइड कर दें। अगली लाइन, इफ वर्किंग कैपिटल इज 30,000 वैल्यू की, मैंने 30,000, देन करंट एसेट इज इक्वल टू, सिंपल रखो 2.5 डिवाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 30,000, कितनी वैल्यू आएगी सर, 50,000। जरा बताओ ये हमने क्या फाइंड आउट करा है। सर हमने फाइंड आउट कर लिया है इस वक्त अपना करंट एसेट्स। तो पहला प्रोसेस क्लियर हो रहा है क्या, क्वेश्चन लगाना कैसे हमको, हमको क्वेश्चन में वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी डिजिट से हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक बात है, अब देखो हमने पहला हेड क्लियर कर लिया, सेकेंड हेड की बात कर लेते हैं अभी। अब हमें इस फॉर्मूले को दोबारा से यूज़ करना है, ठीक है, क्यों यूज़ करना है सर, एक हेड गिवन है, दूसरा हेड गिवन, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फाइंड आउट क्या करना है, करंट लायबिलिटी ले आओ पे और लगा के अगला फॉर्मूला लिखना, एग्जाम को कन्फ्यूज मत करना। फॉर्मूला क्या है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करो। अभी वैल्यू क्या है सर, देखो करंट एसेट्स की वैल्यू आ रही है 50,000, ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है सर 30,000, सो करंट लायबिलिटी कितनी होगी सर 20,000। पॉइंट क्लियर हुआ, हमने दो हेड फाइंड आउट कर लिए। सर तीसरा हेड कैसे फाइंड आउट होगा, एसिड टेस्ट रेशियो, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे होपफुली यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा, आइए लिखते हैं अभी एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है। पहले फॉर्मूला लिखना, जब भी पेपर में सॉल्व करना तो फॉर्मूले सारे मेंशन करना। फॉर्मूला क्या आएगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है सर, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं है, नहीं लिखा हमने। अभी देखो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 50,000, इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी है 26,000, तो सर क्विक एसेट्स कितना आएगा सर 14,000, 24,000 आएगा। ठीक बात है, तो क्विक एसेट्स की वैल्यू, अभी कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं अरे सर गलत हो गया सर, सर आप आराम से करना है ना, क्योंकि सेट और आपको कैलकुलेटर भी अलाउ होगा, तो क्योंकि सेट्स की वैल्यू 24,000 हो गई। अब क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करो, इसी फॉर्मूले को लगा दो। कैसे, एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू क्यूक एसेट्स 24,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी विच इज 20,000, कितना आएगा सर 1.2:1, इतना ही आना चाहिए। ठीक बात है, तो 1.2:1 ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जो तीन डिजिट थी हमने तीनों तीनों फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला हमें कैसे रखना है, फॉर्मूला दिमाग में कैसे सेट करना है। पॉइंट नंबर वन क्लियर होगा, क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना कैसे है वो क्लियर होगा। अब तीसरी बड़ी बात जो आप मुझसे पूछते हो सर, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, अभी मैंने रिसेंटली बोला कि बैलेंस शीट की जो भी क्वेश्चन होंगे क्या होगा उनमें, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ दी होंगी और एसेट्स गिवन होंगी, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लाइबिलिटीज एसेट्स गिवन है तो हमें जितने भी फॉर्मूले पूछे जाएंगे रिलेटेड विथ लिक्विडिटी पोजीशन रेशियो, है ना, सारे के सारे लिक्विडिटी से रिलेट करेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो मैं आपको एक ट्रिक और दे रहा हूँ, आप सबसे पहले क्या करो, आपका जो कन्फ्यूज है ना वो दूर होना चाहिए, सबसे पहले क्या करो, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन ही प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर होंगे सर, जिन जिन क्वेश्चंस में करंट रेशियो पूछा गया है, लिक्विड रेशियो पूछा है, या कोई भी लिक्विडिटी रेशियो कहीं भी पूछा गया है, वो सारा का सारा बैलेंस शीट अप्रोच का हो गया। सेकंड, अगर पीएल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ले लो, यहाँ तो समझ में आ रहा है, होप आप ये चीज़ लगा लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपके इस वीडियो का थर्ड टॉपिक भी कवर करते हैं, आपके ऐसे मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, और डाउट आता है तो मुझे डाउट में बताना, रिवीजन वाले वीडियो में उन डाउट को रिजॉल्व करेंगे। जिसमें भी आपके डाउट्स आ रहे हैं मैं कमेंट को नोट कर रहा हूँ, है ना, चिंता मत करो। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले बता रहा हूँ सर कौन कौन से इलस्ट्रेशंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन आपको कवर कर लेना चाहिए, देखो 9 कवर कर लो, बहुत छोटा क्वेश्चन है बट यस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो है तो इम्पॉर्टेंट है। 11 कर लो, जो आपका एक टेंशन है ना बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, यही है सर। तो बैलेंस शीट देखो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछा है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स। अच्छा एक बात समझना, इस इलेक्शन के आने के चांस बहुत ज़्यादा क्यों है, आपको क्वेश्चन मिलता है ये 10 मार्क्स का, ठीक बात है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट 4-5 तो उन्हें पूछना पड़ेगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कोई दो फॉर्मूले आपसे पूछेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 में 5 पॉइंट गिवन है, कर लीजिए इसको, अच्छे से करिए। देन इसके बाद आप कर सकते हो
इलस्ट्रेशन नंबर 17 कर सकते हो, 4 पॉइंट गिवन है और देखो पीएल के अप्रोच पर है। जो मैं बोल रहा हूँ दो अप्रोचेज, या तो बैलेंस शीट या तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बैलेंस शीट की अप्रोच होगी तो आपको कौन से फॉर्म ले जाने चाहिए, लिक्विडिटी। अगर प्रॉफिट लॉस की अप्रोच होगी तो कौन से फॉर्म ले आने चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी। ये आप कर लोगे। देन इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। 19 के बाद 21 भी कर सकते हैं, एंड यस 22 ज़रूर करिएगा। 11 एंड 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर कवर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 5 ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जितने क्वेश्चन बताए हैं कर लीजिए, है ना, टेंशन नहीं रहेगी। और रेशियो एनालिसिस की ये 10 मार्क्स भी कंप्लीट होंगे। जो चैप्टर स्किप हुए हैं हमने, हालांकि 105 नंबर कवर कर लिया है, 125 मार्क्स का पेपर आता है। जो चैप्टर बच रहे हैं अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास में, हम उसको पूरा ला के रहेंगे एनी हाउ। और जैसा मैंने कल भी बोला था, आपको एक काम करना है, वीडियो क्लोज कर लेने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बैठना नहीं है। पहले कैसे प्रैक्टिस करोगे, जिस तीन कैटेगरी मैंने बताया ना, तीन टॉपिक बताए थे, अगर ध्यान हो, पहला टॉपिक फॉर्मूला हमें आता है कि नहीं आता है, पहले हम देखेंगे। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, वो अप्रोच लगा के पहले फॉर्मूले को दिमाग में सेट करो और जरा चेक करो जो आपको पता है वो फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले को आप अप्रोच करोगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो पता होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इनको सॉल्व कर लो, ये हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है सर जिसका आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग कल मतलब मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ के स्ट्रेटजीज के वीडियोस। देखो पहले तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अकाउंट्स का आपको बताया था वेटेज चैप्टर वाइज, वहाँ से स्टार्ट करूँ। सेकंड थिंग जो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि आप बिजनेस लॉ के लिए कितने डेज का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो, सो दैट हम ये समझ पाएँ कि मैं आपको मिनिमम या मैक्सिमम एक एवरेज लेके जिस पे आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, है ना। क्या होगा कि बहुत बच्चों ने मुझे बहुत बाद में ज्वाइन किया है, बट मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि हम इस कम्युनिटी को, फ्री कम्युनिटी को सीए स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड कर रहे हैं। तो आप जिस भी सीए बच्चे को जानते हो उस तक ये फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोज़ पहुँचा दो कि यार बिजनेस लॉ का वीडियो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, सो आप ज्वाइन करो। क्या होगा, अब किसी जो भी बच्चे ने लास्ट में ज्वाइन किया मुझे अकाउंटेंसी में, ध्यान होगा जो बच्चे जो स्टार्टिंग से हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो रिकरेंट होते हैं, बार बार वो कमेंट्स करते हैं, मैं उनके कमेंट्स इसलिए वॉच करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे हर वीडियो में प्रेजेंट थे, बहुत कमाल की बात है। अब लॉ में क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट डे से अप्रोच करी तो जितने भी दिन का हम लोग चैलेंज लेके चलेंगे बिजनेस लॉ कम्प्लीट रिवाइज हो जाएगा। अब मान लो आप बीच में आते हो तो वहाँ पे एक चैलेंज आपके लिए भी क्रिएट हो जाएगा कि यार पहले से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, तब तक ये नया वीडियो लाने स्टार्ट कर देंगे। अभी तो बैक टू बैक 8 डेज उन्होंने बिना स्किप की वीडियोस लाए। तो आपको कमेंट मुझे ये बताना है, सिर्फ और सिर्फ इतना टाइप करिए या इतना बताइएगा मुझे कि क्या हम कितने दिन का चैलेंज बिजनेस लॉ के लिए लेके चले। और बिजनेस लॉ का मतलब साफ है, वो 5 चैप्टर है ना, वो 5 एक्ट, इजी है, बहुत इजी है। और 60 में आप मेरी तरफ से 55 प्लस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आज एक काम और करना, जब आज ये संडे की नाइट क्लोज हो रही होगी, मंडे शाम को वीडियो मिलेगा ना, मतलब मंडे आपके पास लाइक 2-3-4 बजे तक का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तब तक अकाउंट कम्प्लीटली एक बार रिवाइज कर लो, है ना। और जल्दी लॉक खत्म करने के बाद आपको अकाउंट्स के पेपर देना भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अकाउंटेंसी पे लगा दो हल्ला, जोर लगा दो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, है ना, अकाउंटेंसी क्लोज करो, बहुत मज़ा आएगा लॉ स्टार्ट करने में। चलो विश यू गुड लक, मिलते हैं।